हाई गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज हैं मिस्टर कमल, जो मेरे पास आए हैं उरैया से, और जाना चाहूँगा। हाँ जी कमल जी, तो उरैया पड़ता कहाँ पे है ये? उरैया यूपी में पड़ता सर। यूपी में, तो यूपी से इतनी दूर दिल्ली आए और अब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है आपका, तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, पता कैसे लगा आपको हमारे बारे में? सर मैं यूट्यूब के जरिए आपको देखता था, दो तीन साल से कम फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो दो तीन साल हो गए। आपका बिहेव, आपका और कई सारे पेशेंट्स हमने देखे जो बाहर से भी आए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें हमें बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करी। तो इस वजह से मैंने मन बनाया कि नहीं, मुझे सर से ही मिलना है, क्योंकि एक दो जगह मिलने के बाद हमें वो कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं आपके पास आया सर। ओके, तो अब दांतों में क्या परेशानी थी? आपने मुझे कहा कि मैंने वहाँ पे भी मिनी पीजीआई में भी दिखाया था और दो तीन जगह और दिखाया, तो परेशानी क्या थी? दांतों में आगे गैपिंग थी, तो और अंदर गम जो है थोड़ी से ऊपर जा रही थी। हाँ, ओके। तो वीडियोस YouTube में भी देखे, Instagram में भी देखते हो, फॉलो करते हो? फॉलो कर रहा हूँ मैं, उसमें भी अच्छे लगते हैं वीडियोस जी, बहुत अच्छे लगते हैं सर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रही है सर, और जो नई जनरेशन है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है आपकी तरफ। तो वहाँ पे भी देखते हैं लोग, बहुत लोग देखते हैं सर, बहुत सारे लोग देखते हैं आपकी। अच्छा, हाँ जी सर, यूपी में छोटे छोटे जो गांव है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल देखते हैं लोग। और उसके बाद जैसे आप आए और भी पेशेंट्स आते हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जब धीरे धीरे लोगों को जानकारी होगी, अभी तो बहुत कम जानकारी लोगों को है एक्चुअली। वहाँ पर लोग इतनी अच्छे तरीके से, जो डेंटिस्ट्री है वो अभी इतनी डेवलप नहीं है वहाँ। तो डेंटिस्ट्री कैसे है, मुझे थोड़ा सा बताओ ना कैसे, जितना आपको थोड़ा बहुत आइडिया बताएंगे, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सर कि जो वो लोग बताते हैं वहाँ सिर्फ दांतों को घिसना, कैपिंग करना, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते सर। नहीं जानते? हाँ, माफ करना, दांतों को निकाल देना, माफ करना, मैं शायद कुछ ज्यादा कह गया हूँ। नहीं, अच्छी बात है इसमें, देखो देयर इज ऑल, आप जब तक सीधे और सफेद शब्दों में नहीं बताएंगे ना अगर कि आप क्या सोचते हैं और वो क्या करना चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए, तो और एक सबसे बड़ी बात, एकदम स्पष्ट आपका जो कहना होता है वो एकदम स्पष्ट और क्लियर रहता है कि नहीं आपको ऐसा करना, दांत घिसना नहीं, घिसवाना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, और ये सबसे गलत हमें लगता है कि वो शायद वो एक बहुत हम लोग कॉमन देखते रहते हैं कि पेशेंट आया और वो कहीं ना कहीं दांत घिस दिए, या लग रहा है कि ऊपर, और जैसे कैप लगा रहे हैं, कैप अगर फिट नहीं हो रही है तो दांतों को, ऊपर वाले दांतों को घिस दिया, और वो फिर फिलिंग के दी तो ऊपर वाले दांतों को घिस दिया, तो फिर वो घिसने से ना आपका जो बाइट है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके जो TMJ में इशू होना शुरू हो जाता है, और वो जो दांत जो होते हैं ना वो घिसने से सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, तो अगर वो प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ वो जो वीडियोज है ना बनाने का मकसद प्रमोशन नहीं है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है लोगों को बताना, एजुकेट करना, उनको समझाना, उनको अवेयर करना। एक्चुअली मैंने यहाँ आके जो सर का पूरा लोकेशन देखा तो मुझे नहीं लगा सर जैसा आप कहते हैं उससे ज्यादा है यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो मैं लोकेशन देख रहा हूँ मैं उससे नहीं। एक्चुअली कुछ लोग फेक वीडियो बना के भी इस तरीके से डाल देते हैं अपनी पॉपुलरिटी पाने के लिए, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ हमें दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमारा क्लिनिक है ना सर, आप हर्ट से करते हैं काम, हर्ट से करते हैं, मुझे लगा ये। और पूरी मैं नहीं करता हूँ, मेरी पूरी टीम है जो मेहनत करती है, और 12-12 घंटे हम लोग काम करते हैं और लग के करते हैं, मेहनत करते हैं, और हर एक केस में कोशिश यही रहती है कि बारीकी से डॉक्यूमेंट करना, और उसके बाद हर 3 महीने में हर महीने उसको इवैल्यूएट करना कि उसकी प्रोग्रेशन कैसी है, चाहे वो ब्रेसिस ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इम्प्लांट ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो पेशेंट डेंचर अगर पहन रहा है तो वो डेंचर का फॉलोअप करना, इम्प्लांट का फॉलोअप करना, तो वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमने भी अपना जो काम है ना वो आसान कर दिया है, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, और टीम का बहुत बड़ा योगदान है, ये एक वन मैन शो नहीं है इसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। टीम जानती है कि उनको क्या करना है, और अगर आप जैसे आपने कहा है कि यूपी में भी लोग देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद है ना वो सिर्फ लोगों को बताना है, अवेयर करना है, वो जरूरी भी है,
न्यू एज डेंटिस्ट्री में अगर हम अवेयर नहीं करेंगे तो फिर लोग वही कराते रहेंगे, दांत घिसवाते रहेंगे, वही घिसा-पिटा काम, वही चलना पुराना। हाँ, तो ट्रीटमेंट की शुरुआत हो चुकी है, अब हर महीने आपको मेरे पास विजिट करना है। और इनको, इनके कुछ दांतों में, आगे के दांतों में गैप था, एक छोटा सा दांत था तो वो निकलवाया, फिर वो डेंचर पहना है तो आगे के जो दो इंसाइजर है उसमें गैप ज़्यादा है, तो अब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। और पीछे के दांतों में, आगे में जो दांत है नीचे में, उसमें इम्प्लांट करने वाले हैं, तो वो जो शुरुआत है ना वो हो चुकी है। करंटली ही इज़ वेयरिंग अ डेंचर जो उतारने के वाले वाले दांत हैं। तो फिर भी कमल भाई की अगर बात अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कोई भी परामर्श चाहिए, मैंने जैसे कमल जी मेरे पास आए, मैंने, इन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था तो मैंने कहा कि फोटोज ना शेयर, पूरी लोकेशन हमारे पास सेंड करी, मैंने कहा फोटोज शेयर ना करें, बेटर है आप क्लिनिक पे आएंगे तो मेरे लिए आसान है उसको इवैल्यूएट करना, स्कैन करना, और मैं फिर डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट प्लान है वो आपको आधे घंटे में बता दूंगा और बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा क्या हो सकता है। तो वो वीडियोस जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कहूँगा कि सर के पास जरूर मिलिए आके और एडवाइस तो जरूर लीजिए सर से। दया फाउंडेशन के बारे में भी आपको पता है? दया फाउंडेशन कैसे पता लगा? मैं पता लगा सर, मैं तो नेट पे सर्च कर रहा था तो हमें उसके बारे में जानकारी लगी, मैंने पूरा डिटेल पढ़ा उसके बारे में, तो हमें लगा दया फाउंडेशन से भी आप हेल्प करते हैं लोगों को, डेंटल अवेयरनेस टू यूथ एक्टिविटीज। जी बिल्कुल, दया फाउंडेशन जहाँ पे 1500 से ज्यादा लोगों की हेल्प हो चुकी है, ओल्ड एज होम से लेकर ट्रीटमेंट जो अफोर्डेबल जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक मीडियम है जहाँ पे हम लोग उनकी मदद, सर हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, जितना हो सकता उनसे उतना करते हैं। चलो दुआएं देते रहिए, हम जोरों शोरों से मेहनत करते रहेंगे, बट फिर भी अगर लगता है कि किसी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे आके ज़रूर मिल सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, टोटल थैंक्स।